नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने वादा किया था कि वो पूरे बिहार की काया पलट करके रख देंगे। और इस काया पलट में, उनके इस पूरे प्रोजेक्ट में एक चीज़ थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई, वो थी सड़कों और पुलों का निर्माण। अगर आप राजधानी पटना में कई सालों के बाद आएंगे तो आप खुद चकरा के गिर जाएंगे, क्योंकि नए नए रास्ते, नए नए पुल आपको देखने के लिए मिलेंगे। पटना में भी एक मरीन ड्राइव हो चुका है, पटना में एक अटल पथ हो चुका है जहां पे लोग रेसिंग करते हुए भी दिखते हैं। राजधानी पटना की सड़कें तो बहुत ही अच्छी बन चुकी हैं, और शायद यही लोगों के दिमाग में चला जाता है कि जब राजधानी पटना की सड़कें बन गई हैं तो वही बिहार के बाकी जगहों की भी सड़कें अच्छी हो गई होंगी। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। डेमोक्रेटिक चरखा लगातार ऐसे गांव की रिपोर्ट्स बना रहा है जहाँ पे आज तक सड़कें नहीं पहुँच पाई हैं, और आज ऐसे ही हम लोग एक जगह पहुँचे हैं जो कि सीतामढ़ी के बथनाहा ब्लॉक में है, जहाँ पे आज तक उस गांव में सड़क नहीं पहुँच पाई है। सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का तो सामना करना पड़ता ही है, लेकिन साथ में ग्रामीणों ने उसका एक समाधान निकालने के लिए खुद के पैसे से मिट्टी डालने का भी काम किया। लेकिन ये काम उतना कारगर साबित नहीं हो पाया, क्योंकि जब बारिश होती है या जब जाड़े में ओस पड़ता है तो वो सड़कें नम हो जाती है, गीली हो जाती हैं, और वैसे में गाड़ी या मोटरसाइकिल लेकर आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अब सोचिए, अटल पथ बन गया, मरीन ड्राइव बन गई पटना में, जो कि पटना एम्स से लेके बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH की दूरी को काफ़ी कम करती है। लेकिन वही अगर बथनाहा ब्लॉक के इस गांव में किसी को अस्पताल जाना हो, एकदम तत्काल ज़रूरत हो, तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि जब हमारे ग्रामीण पत्रकार रत्नेश वहां पर पहुंचे तो उन्होंने सड़क की क्या स्थिति देखी। यहाँ रास्ता पे आने जाने की काफ़ी समस्या है। बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, आने जाने में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी समस्या है, स्कूल में सही से टाइम पे पहुंच नहीं पाता है। बरसात में आने की 2-3 महीने की बारिश जो होती है, इसमें स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चा। रोड ना है, अपना पैसा से पानी अति माटी भर के हम लोग चल रहे हैं। अपना पैसा से माटी भराए थे जी? आप किसी मुखिया या वार्ड के बोले हैं? सभी को बोले हैं। तो क्या बोल, वो क्या बोले हैं? कोई नहीं सुन रहा है। समस्या है कि रोड के आने जाने में दिक्कत है, बाल बच्चा के निकले में दिक्कत है, बहुत कादो है, धियापुता का बस्ता भी गिर जाए, भीज जाए, पानी रोड पे हो जाता है, घर से बाहर नहीं निकल पाते, हाट बाजार जाने में भी दिक्कत होता है। यहाँ जनसंख्या कितना होगा? जनसंख्या वही 300-350 के लगभग होगा। तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि रास्ता बन जाए, नाला उला बन जाए, मतलब आने जाने की सुविधा जो होगी वो सही हो जाएगा, यही चाहते हैं। और यहाँ कितना घर होगा? यहाँ 30-40 घर है। ये रोड कब से खराब है? ये रोड तो बहुत दिन से खराब है। तो कभी बना भी था या नहीं? जी नहीं। कौन मौसम है ऐसा का घटना घटी? घटे बारिश महीना में, आ चारों को बुनियो अबे तो बहुत कादो हो जाए। कहाँ सबके आवे जाए में ज्यादा दिक्कत है? ज्यादा बहुत दिक्कत है कि रोड के बारे में वार्ड मुखिया केकरो कहलिए? सबके कहे छे, सब आवे छे देख देख के चल चल जाए छे। कुछ कहले होते न? एक कहे हमरा से ना होय वाला है। रोड तो बहुत दिनों से खराब है, लगभग 18-20 साल का उम्र हम लोग का हो गया। हम लोग जब से अकिल ज्ञान हुआ तब से ही देख रहे हैं रोड खराब है। इससे पहले से लगभग यहाँ लोग 35-40 वर्षों से रह रहे हैं, तब से ही रोड खराब है। अगर बारिश 8 दिन होते रह जाते हैं तो बारिश में हम लोग नहीं निकल पाते हैं। यहाँ पर 2 आदमी डूब गए हैं पानी में, पैर पछे पिछिल गए हैं तो डूब गए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को आने जाने के लिए सड़क होना चाहिए, दिक्कत है हम लोग को। तो इस रोड के बारे में मुखिया या वार्ड किसी को बताए आप लोग? हाँ, इससे पहले कई बार बताए, मुखिया भी आए थे और मेंबर भी आए थे, देख सुन के चला जाता है कि हाँ ठीक है, भर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। इस समस्या के समाधान के तलाश में हमारे ग्रामीण पत्रकार वार्ड सदस्य से भी बात करने पहुंचते हैं जिनके वार्ड में ये सड़क आती है। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एस्टिमेट बना के मुखिया और ब्लॉक को तो भेजा है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जो आपके वार्ड में जो फुलमत माई वाला स्थान है जहाँ पे एक टोला बसा हुआ है, वहाँ पे अभी तक रोड नहीं बना हुआ है, तो इसमें आपका क्या प्रयास है? मेरा तो प्रयास यही है कि सर कि मैं एस्टिमेट दे चुका हूँ, मुखिया जी को दे दिए हैं और ब्लॉक में भी दे दिए हैं। देने के बाद में कहा गया कि ठीक है कि समय आ रहा है कि गेहूँ के भाव खत्म हो जाने के बाद में उस
ठीकरण होगा उसमें रोड बन जाएगा। मुखिया जी भी कहे हुए साहब भी कहे इस साल में बन जाना चाहिए, बना देंगे। फुल प्रयास मेरा तरफ से फुल प्रयास है कि हम वो कर देंगे। आपने देखा कि किस तरीके से ग्रामीणों के अंदर एक रोष भरा हुआ है। सड़क जो सरकार के लिए एक छोटी सी चीज है, वही ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीज है। सरकार शायद यही चीज समझ पाने में असफल हो रही है। खास तौर से अगर ग्रामीणों की स्थिति की बात की जाए तो उनकी जिंदगी सड़कों पर ही निर्भर करती है। जब अच्छी सड़कें होंगी तब गांव जुड़ पाएगा शहर से, और जब शहर से गांव जुड़ पाएगा तो साथ में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाओं से भी जुड़ पाएगा। लेकिन अभी बिहार के गांवों की स्थिति ये है कि वो इन सारी सुविधाओं से दूर है, क्योंकि अभी तक वो शहरों से सड़क के माध्यम से नहीं जुड़ पाया है। आपको ये हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारी वेबसाइट पर इस तरह के कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार की नज़र में ये गाँव भी जाए, ये सड़क जाए और जल्द ही यहाँ पर सड़क बनने का काम शुरू हो सके। धन्यवाद।